वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिल्क केक। खाने में बेहद ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना बेहद ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम 2 लीटर दूध लेंगे। दूध से आज हम मिल्क केक बनाएंगे। यह मिल्क केक बहुत ही कम सामान में बन जाता है। गैस पे हम कढ़ाई चढ़ा चुके हैं, उसमें हम दूध डाल देंगे और दूध को गर्म करेंगे। दूध को बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। आप इस मिल्क केक की रेसिपी को एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसी तरह से बीच बीच में हमको 2-3 मिनट पर लगातार चलाते रहना है और चारों तरफ जो दूध का मलाई लग जाएगा उसको खुरच खुरच के निकाल लेंगे और चारों तरफ से इसको हम बीच में करते जाएंगे मलाई को। दूध अब पकते पकते आधा हो चुका है, आप देख सकते हैं। दूध को गैस पर तब तक पकाएंगे कि जब तक कि 1/4 दूध न बच जाए। देखिए, दूध अब 1/4 बच चुका है। अब इसमें हम 3 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डाल के इसको हम चलाएंगे 2-3 मिनट तक। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। जब 2-3 मिनट हो जाएगा तब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अभी इसको हमको लगातार चलाते रहना। आप देख सकते हैं कि दूध बिल्कुल दानेदार हो चुका है और बिल्कुल रबड़ी के जैसा हो गया है। 2 लीटर दूध है तो इसमें 100 ग्राम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी डालने के बाद हम इसको लगातार चलाते रहेंगे कि जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। यह मिल्क केक बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे कभी भी बना के ट्राई कर सकते हैं। इस मिल्क केक को बनाने में ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत भी नहीं होती है और बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है। देखिए, अब ये दूध बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब थोड़ा इसको और पका लेंगे हम। एक बड़ा साइज का प्लेन इस तरह का कटोरा लेंगे और इसमें हम घी से ग्रीस कर देंगे। इधर हमारा मिल्क केक भी बन के रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा और हल्का सुखा लेते हैं। देखिए, मिल्क केक हमारा बन के तैयार हो चुका है जमाने के लिए। अब मिल्क केक के बैटर को उसी बर्तन में जिसमें हम घी से ग्रीस किए थे उसी में डाल के इसको हम सारा मिल्क केक का बैटर इसमें हम डाल देंगे। सारा बैटर हम डाल चुके हैं। अब इसको 1 चम्मच की सहायता से इसको इस तरह से दबा देंगे और 7-8 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए, अब हम इसको ढक्कन से ढक देते हैं और इसको हम 8 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 8 घंटा हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे कि गैस को हम ऑन करेंगे और गैस का फ्लेम एकदम कम कर देंगे और आधे मिनट के लिए हम चढ़ा देंगे। गैस का फ्लेम एकदम धीमा रखना है। गैस पर हम मिल्क केक को इसलिए चढ़ाए हैं ताकि वो अच्छे तरीके से निकल जाए बाहर। आधा मिनट हो चुका है। अब हम इसको दूसरी तरफ से पलट लेते हैं कटोरी को। पलटने के बाद यह आसानी तरीके से अब निकल चुका है। तो चलिए, अब हम इसको कट कर लेते हैं। आपको जिस साइज में पीस पसंद है उस साइज में इसका पीस आप बना सकते हैं। सारे मिल्क केक को हम कट कर लिए हैं। मिल्क केक का साइज कुछ ज़्यादा बड़ा है इसलिए हम इसको और हाफ कट कर ले रहे हैं। सारे मिल्क केक को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। देखिए, मिल्क केक हमारा बन के तैयार हो चुका है खाने के लिए, कितना अच्छा बना है। अब हम सारे मिल्क केक के पीस पे थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता लगा के इसको हम अच्छे तरीके से सजा देंगे। मिल्क केक बन के रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मिल्क केक की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।